और एक क्या है, ये मेन स्केल फिक्स स्केल है और एक वर्नियर स्केल है जो मूविंग स्केल है। सबसे पहले जीरो एरर देखना है आपने, तो जीरो एरर इसमें नहीं है, नहीं है। अगर फर्ज करें जीरो एरर समझाना है इनको आपने, तो जीरो एरर इस वक्त नहीं है। फर्ज करके मैं कहता कि ये इस वक्त इधर है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ है इधर, फॉर एग्जाम्पल अभी ये जीरो पॉजिटिव है इधर है इस साइड पे, तो आखिर में क्या होगा, माइनस करेंगे तो ये जीरो इधर है। अब इसका जीरो एरर कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। इसमें इसमें लाइन देखें कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ मैच कर रही है। सर ये कौन सी है जी, तीन और चार, थ्री और फोर के दरमियान वाली है ना, थ्री और फोर के दरमियान, थ्री और फोर के दरमियान वाली, ठीक है। वैसे फोर वाली उससे ज्यादा नहीं है, क्या करेंगे? तो फोर वाली लाइन मैच कर रही है, इसका मतलब है कि यहाँ से लाइनें गिने तो फोर तक ये आठ लाइनें बनेगी। तो चार नहीं करना, ये आठ है असल में, ठीक है। तो आठ लाइनें हो गई, तो आठ को मल्टीप्लाई कर दें आप इसके लीस्ट काउंट से, लीस्ट काउंट है 0.05, ठीक है। तो आठ है, नहीं नहीं आठ लाइनें, आठ को 0.05 से मल्टीप्लाई करें तो 0.4 आ गया, 0.4 ऐसी है ना। तो 0.4 मिलीमीटर आखिर में रीडिंग से माइनस करना है, यानी किस तरफ होगा, तो यानी कि पॉजिटिव होगी तो आखिर में माइनस करेंगे। क्यों माइनस क्यों करेंगे, देखिए ना पॉजिटिव है ना, पहले ही कुछ ना कुछ रीडिंग ले रहा है, देखिए ना अभी खुला हुआ है ना, मतलब खुला तो नहीं है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो आप ये इतनी रीडिंग पहले से ले रहा है, ये पहले से, तो आखिर में माइनस करेंगे, क्योंकि असल तो हमने रीडिंग शुरू नहीं की, जब शुरू करेंगे तो उसके मजीद आगे जाएगा। सही। तो वो जो लाइन जो डिफरेंस था वो हम माइनस करेंगे। अगर इधर होता इसका मतलब पहले रीडिंग से कुछ माइनस कर रहा है, जब आप इसको खोलेंगे तो पहले जीरो पे आएगा, इतनी रीडिंग ये मिस कर रहा है, तो नेगेटिव एरर को आप पॉजिटिव एड करेंगे, ठीक है। ये तो एरर का बता दिया, ठीक है। अभी एरर नहीं है तो हम एड नहीं करेंगे, तरीका इनको बता दें, नहीं गिन के फिर उसकी लिस्ट का जो मल्टीप्लाई करके आप माइनस, हां कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है कि इसको इसके अंदर रखें, रखने के बाद आपने दो तीन कंडक्टर का लेके, तीन का लेके एवरेज कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखें आप ऊपर वाली मेन लाइन, नीचे वाला जो जीरो है और ऊपर वाला जीरो के बाद कोई लाइन आ रही है इस जीरो के, जीरो तक सर ये देखिए, नीचे वाला जीरो जो है, जो वर्नियर स्केल मूविंग स्केल का जीरो है, इस जीरो से पहले पहले मेन स्केल पे कोई जीरो के बाद लाइन आई है कि नहीं, लाइन फिर आ रही है 0.1 वाली लाइन है, 0.8 अब आपने इसके ऊपर देखनी है कौन सी लाइन मैच कर रही है, वर्नियर स्केल की रीडिंग देखनी है, जिस तरह हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग स्क्रू गेज पे देखते हैं। दोनों एग्री हैं, चलें आप देख लेते हैं, हाँ एट कर रही है, ठीक है। वैसे एट से बेहतर है सात और आठ के दरमियान वाली लाइन, उससे भी ज्यादा बेहतर नहीं है, चेक करें। यस सर बिल्कुल, ठीक है। तो सात और आठ के दरमियान वो एग्जैक्ट है, इसका मतलब है कि सात और आठ के दरमियान वाली लाइन कितनी होगी, सात तक ये 14 लाइनें होगी और ये 15 लाइनों को मल्टीप्लाई करें 0.05 से, तो 0.75 आ गया। तो 0.75 मिलीमीटर रीडिंग आ गई इसकी वर्नियर स्केल की, और मेन स्केल की जीरो आ गई, जीरो प्लस 0.75 आ गई, 0.75 में जीरो एरर इसमें नहीं था तो 0.75 भी आ गई, ऐसी है ना। अब आपने इसमें जाना है तो 0.75 इधर देखना किधर है, तो 0.75 इजी 0.71 के करीब है, ऐसी है ना। तो ये 22 नंबर गेज है इसका, 28 तो ये 7 28 तो 7 29 है असल में, लेकिन 7 28 है ये मेरे रिकॉर्ड, तो सात ये इसके सात स्टैंड है, सात वो तीन थे तो 3 3 29 हो गए, ठीक 3 28 हो गए, ये 7 28 सर। कोई भी चीज को करने के लिए पहले जीरो एरर चेक करें सर, अगर मेन स्केल पे भी रीडिंग शो करे तो करे तो वो ऐड, नहीं तो वो ऐड करेंगे साथ। हां फॉर एग्जांपल ये मैं करता हूं कि फॉर एग्जांपल यहां था रीडिंग, ठीक है ठीक है, तो कोई रीडिंग ले लेते हैं इस केबल की, वैसे लेते हैं ऐसे ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं डाया कितना है, अब देखें तो इसमें जीरो से पहले कितनी रीडिंग्स हैं, मेन स्केल लाइन है, सॉरी मेन स्केल पे सर तीन है, हम देख लेते हैं एक दो तीन हाँ तीन रीडिंग, जीरो तो तीन है मैम, इस जीरो से पहले
ये इस मूविंग स्केल वाली लाइन देखनी है। ये वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है ना, ये देखें वर्नियर स्केल पे देखें तो आप देखें ये सेंटीमीटर में शो कर रहा है। तो एक सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर तो 10 ही लाइनें हैं, तो मतलब एक लाइन 1 मिलीमीटर की है, समझ आ गई ना। अच्छा अब हमने करना क्या है ये देखें, तो जीरो से इसके मूविंग स्केल के जीरो से पहले मेन स्केल पे कितनी लाइनें हैं, जीरो के बाद तीन है ना, तीन ही है ना, आप तीन ये हो गया। इसमें लाइन कौन सी मैच कर रही है, मेन स्केल की, हाँ वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल के साथ वो लाइन मैच कर रही है वो कौन सी, सिक्स नहीं सेवन, सिक्स और सेवन के दरमियान, सिक्स और सेवन के दरमियान, अभी देख लेते हैं, सेवन भी कर रही है, सिक्स सेवन भी कर रही है और सिक्स और सेवन के दरमियान वाली भी, सर बीच वाली से तो सिक्स और सेवन के दरमियान वाली दोनों ही नहीं, हाँ एग्जैक्ट कौन सी है, दोनों ही है, सात सात वाली ज्यादा है मेरे ख्याल से, सात वाली ज्यादा है, सात को मल्टीप्लाई कर दे, सात है तो ये 14 होगी लाइन, 14 को मल्टीप्लाई कर दे 0.05 से तो 0.7 आ गया, तो 0.7 जमा वो कितना था 3 मिलीमीटर, 3 प्लस 0.7 3.7, तो डिस्काउंट कोई नहीं था इसका, जीरो कोई नहीं था, 3.7 इसका डाया हो गया मिलीमीटर, नहीं इसमें नहीं देखेंगे आप, वो तो एक स्टैंड का था ना, ये इसका डाया है 3.7 मिलीमीटर पूरा डाया है, वैसे ये वैसे निकाला है इसका, इसका उससे कोई तलक नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, कोई साइज निकालना है, इसका साइज निकालना है अपने मोबाइल का, इसका क्या है, तो आपको निकल आएगा, सही है, सही।